আমরা প্রত্যেকবারই নওজোয়ান সেবা সমিতি আজ থেকে প্রায় 40-50 বছর হলো যা আমরা এই ছট পূজয় এখানে ক্যাম্প মানাই প্রত্যেকবার এবং ঘাটের কাজ সমস্ত তদারকি করে এই নওজোয়ান সমিতির ছেলেরা তাই প্রত্যেক বছর আমরা এই উদা উপরে উদার বাঁধ এটাকে বলে উদার বাঁধে উপস্থিত থেকে ছোট বত্তিদের যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই কথা মাথায় রেখে আমরা প্রত্যেকবার ক্যাম্পের দিকে যা যা জিনিসের প্রয়োজন হয়তো কোনো কোনো মাতা বোন হয়তো হড়বড়িয়ে কোনো জিনিস আনতে ভুলে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা এখান দিয়ে দিয়ে থাকি যাতে ছোট বত্তিদের কোনো অসুবিধা না হয় আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই এবারে প্রত্যেকটা ঘাট খুব সুন্দরভাবে আলোর ব্যবস্থা কর্পোরেশনের তরফ থেকে করা হয়েছে এবং ঘাটগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং সমস্ত টিম আমাদের তদারকি করেছি একদম বরাকর থেকে জামুরিয়া রানীগঞ্জ প্রতিটি ঘাটকে আমরা দামোদর প্রতিটা ঘাটকে আমরা সুন্দরভাবে এবারে সাজিয়ে উঠতে পেরেছি ছট পুজো উপলক্ষে আসানসোলবাসীকে কি বার্তা ছট পুজো উপলক্ষে আসানসোলবাসীর কাছে এই বার্তা যে আসান মা ছট মাতা এবং সূর্য দেবতার কাছে এই প্রার্থনা যে যেন সকল মানুষকে সুস্থ রাখে তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় শুধু আসানসোল কেন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ যেন ভালো থাকে সুখে থাকে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে ধন্যবাদ এবং 4 নম্বর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে বড় 4 নম্বরকে চেয়ারম্যান এবং আসানসোল কোর্টকে বার অ্যাসোসিয়েশনকে সভাপতি শ্রী রাজেশ তিওয়ারি মহাশয় কো মাইক দে করকে কুছ কহনে কে লিয়ে বাত কর রহে হ্যাঁ ধন্যবাদ সঞ্জয় জি नौजवान क्लब के तरफ से ये पूजा जो यहाँ पर कलाब है जो छठ पूजा का अरेंजमेंट किया गया है वो सही में बहुत लाजवाब है और इस नौजवान क्लब के साथ कॉर्पोरेशन भी बहुत सहयोग किए हैं कॉर्पोरेशन के भी लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं जिससे छठवर्ती जो यहाँ पर पूजा करने के लिए आए और इस एरिया के जितने भी महिला पुरुष जो भी है यहाँ पर कोई पूजा देखने के लिए आते हैं उनको कोई कष्ट ना हो यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी ठीक है लाइट का भी प्रबंध कॉर्पोरेशन की तरफ से अच्छी तरह से किया गया है और क्लब के जितने भी सदस्य हैं मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ कि वो आने वाले छठ पूजा में भी इसी तरह कार्यक्रम करते रहें जिससे किसी का परेशानी ना हो धन्यवाद छठ पूजा का उपलक्ष्य में आसानसोल पूरे वासी को क्या मैसेज किया है छठ पूजा के उपलक्ष्य में आसानसोल पूरे वासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिस तरह हम लोग के साथ सहयोग कर रहे हैं कॉर्पोरेशन भी उनके साथ इसी तरह सहयोग करता रहेगा और वो इस छठ पूजा में शांतिपूर्ण अच्छी तरह से एवं खुशी खुशी आपका पर्व मनाए जिससे कभी किसी को असुविधा ना हो धन्यवाद बहुत कुछ पालन निरामिष भी है आदमी कुछ खाता नहीं निरामिष कह रहे से खाते हम लोग 1 महीना तक करते हैं अच्छा और कार्तिक पूर्णिमा तक हम लोग कोई भगवान पर आराधना करते हैं पहले तो नहाने पड़ता है हाँ नहाते हैं हाँ।
दातुन उतन करने पड़ता है, मुंह धोने पड़ता है, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भगवान का सूर्यदेव का आराधना करते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं। फिर आपको मतलब सिंदूर का तिलक वगैरह लगाते हैं, सब चढ़ाती है बहू लोग, जेठानी लोग सब देते हैं। उसके बाद फिर रख देते हैं, सब देते हैं, मतलब सूप आपका हाथ में देते हैं। उसके बाद फिर रख देते हैं भगवान का सूर्यदेव। और फिर नेक्स्ट डे में सुबह में क्या प्रोग्राम है? अच्छा नहीं, आज घाट में घाट पर भी शाम को हो गया, फिर सुबह में भी होगा। सूरज को आज हम लोग डूबता सूरज को देते हैं, कल उगता सूरज को देंगे। अभी शाम को हम लोग ना डूबता हुआ सूरज को अर्घ देते हैं, और सुबह में नेक्स्ट डे हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे, और फिर सब अपने अपने घर प्रसाद लेके घर जाएंगे। अच्छा, ये पूजा करने से क्या मैंने होता, क्या श्रद्धा पुण्य प्राप्ति क्या होता है? हम हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है, और ये बहुत पावन पर्व है। हिंदू लोग का बहुत पावन पर्व है, और हम लोग ये 3 दिन का नाश्ता करते हैं, और ये हम लोग बहुत श्रद्धा से